हेलो गाइस, मैं हूं केव फ्रॉम नॉइस्टेक और आज बात की जाए हॉपअप के एक नए TWS की जिसमें कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फीचर्स है और सिर्फ 900 रुपए का प्राइस है। इसका नाम है हॉपअप एडोज S50। हॉपअप की एडोज सीरीज का ये 5th TWS है एंड 900 रुपए तो इसका ऑल टाइम प्राइस रहने वाला है। एक्चुअल में जो लॉन्च प्राइस रहेगा, जो कुछ दिनों के लिए, एक आध दिन के लिए रहेगा, वो इससे भी कम रहने वाला है। सबसे पहले बॉक्स ही देखोगे तो ऊपर हॉपअप का ब्रांडिंग एडोज S50 लिखा दिख जाएगा, बर्ड्स दिख जाएंगे, लेफ्ट साइड पे की हाईलाइट है, राइट पे की हाइलाइट्स हैं, बॉक्स के पीछे भी की हाइलाइट्स लिखे दिख जाते हैं। डब्बा जैसे ही खोलोगे तो ऑफ कोर्स ऊपर आपको आपके TWS मिल जाएंगे, उसके बाद एक चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल मिल जाती है। अब अंदर की साइड आपको आपके यूजर मैनुअल एंड एक वारंटी कार्ड देखने मिल जाएगा। अब आ जाते हैं इसके डिजाइन के ऊपर। अगर सीधा करके देखा जाए तो ये आपको एक थोड़ा सा अंडा डिजाइन देखने मिलेगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना ही ज्यादा मोटा है, जिसके कारण पॉकेट फ्रेंडली है, आराम से जेब में लेके घूम सकते हो। सामने से देखोगे तो पूरा आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाला है। ऑफ कोर्स 900 रुपए में कोई आपको एकदम हैवी बिल्ड नहीं मिलेगा, बट मैट होने के कारण यहाँ पे स्क्रैचेस जल्दी लगते नहीं है। मेरे 4-5 दिन के यूज हो चुका है, फिर भी अब तक इसमें कोई खास ऐसा स्क्रैच लगा नहीं है जो मुझे आपको दिखाना चाहिए। सामने हॉपअप का ब्रांडिंग है, LED है और नीचे इन बर्ड्स में आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। जो लिड की क्वालिटी है काफी डिसेंट है, पीछे कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं है, बट मैग्नेट की क्वालिटी काफी अच्छी है एंड स्नैपी है। बिल्ड क्वालिटी वाइज डेफिनेटली एक डिसेंट TWS है एंड सबसे अच्छी बात है कि इनमें स्क्रैचेस जल्दी लगते नहीं है। उसके बाद लिड खोलोगे तो अंदर भी आपको मैट मिलेगा, जहाँ पे बर्ड्स रखे हैं वहाँ पे आपको ग्लॉसी मिल जाएगा। बर्ड्स को बाहर निकाला तो बर्ड्स आपको मिल जाएंगे स्टेम डिजाइन में, अच्छे दिखते हैं बर्ड्स, मतलब सरप्राइजिंगली 900 रुपए के बर्ड्स नहीं लगते हैं, काफी सही है। एक तो पूरे ब्लू कलर के बनाए गए एंड उसके ऊपर जहाँ पे टच एरिया है वहाँ पे हल्का सा सिल्वर ही दिया गया है, जो दिखने में काफी ज्यादा एक अच्छा टच ऐड करता है। आपको डुअल माइक्स मिल जाते हैं बर्ड के ऊपर, हॉपअप की ब्रांडिंग मिल जाती है। बर्ड्स डेफिनेटली दिखने में अच्छे लगते हैं, उतने ही अच्छे ये कम्फर्ट में भी है। ये जब कान के अंदर जाते हैं ना, आप थोड़ी देर बाद भूल भी जाओगे कि कान के अंदर है। इसका मेन रीजन है कि बर्ड्स काफी हल्के हैं, सिर्फ बर्ड्स नहीं ये केस भी काफी हल्का है। वेट कम होने के कारण आपको ऐसे लगेगा भी नहीं आपने कुछ लगाया। काफी ज्यादा अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कंफर्ट में भी अगर आप भागो कूदो दौड़ो ये आपके कान से नहीं गिरने वाले, कंफर्ट वाइज काफी ज्यादा सही लगे हैं मुझे। इन बड्स में आपको IPX4 की भी रेटिंग दी है, मतलब हल्का फुल्का स्प्लैशेस ऑफ वाटर कोई इशू नहीं है। आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इनको। कनेक्टिविटी के ऊपर आ जाए तो यहाँ आपको मिल जाता है Bluetooth 5.3। 900 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छे ब्लूटूथ स्टैंडर्ड यहाँ पे दिए गए। Bluetooth 5.3 मेरे हिसाब से लेटेस्ट है एंड काफी अच्छा काम करता है। एक चीज मुझे लगता है जो हॉपअप ने मिस कर गए, थोड़ी सी फास्ट पेयरिंग। इनको डब्बी से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद इनका कनेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना आपके फोन से पेयर होते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट जितनी देर में आप दोनों बर्ड्स पहनोगे उतनी देर में 3-4 सेकंड 5 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कोई स्लो प्रोसेस नहीं है, बट फास्ट पेयरिंग दे सकते थे मेरे हिसाब से, क्योंकि Bluetooth 5.3 है। फॉर द प्राइस कोई कंप्लेन नहीं है, बस एक मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट जो हो सकता था। बाकी कनेक्टिविटी वाइज 100% बहुत ज्यादा अच्छे बर्ड्स है। मोनोपॉड फीचर परफेक्ट काम करता है, इंडिपेंडेंटली जो बर्ड यूज करना है यूज कर सकते हो। उसी के साथ हॉपअप ने यहाँ पे AC कोडेक भी दिया जो आपकी साउंड क्वालिटी को डेफिनेटली इंप्रूव कर देगा। तो भाई अब हम करेंगे एक रेंज टेस्ट ये हॉपअप के एडोज S50 का। मेरे ये जो बर्ड्स है मेरे फोन से कनेक्टेड है एंड अजर के पास मेरा फोन है, बेसिकली कैमरा के पास मेरा फोन है। अब मेरा गाना पहले स्टार्ट किया जाए, चालू हो गया। 1 2 3 8 29 30 स्टेप्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, गाना एकदम परफेक्ट चल रहा है। 44 45 अभी भी एकदम परफेक्ट गाना चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 47 48 84 85 85 स्टेप्स ऑलरेडी चल चुके हैं हम। 98 99 100 110 120 स्टेप्स ऑलरेडी चल चुका हूँ एंड गाना बंद ही नहीं हो रहा भाई। 60-70 मीटर से ज्यादा चला गया था, जो मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात हो गई, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छी रेंज तो पक्का मिलनी ही है। अब आ जाते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के ऊपर, जो मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी फॉर द प्राइस। हॉपअप ने यहाँ पे दिया 10 mm के ड्राइवर्स एंड साउंड क्वालिटी के लिए आपको दो मोड मिल जाते हैं। एक है बॉम्बर्स मोड, जहाँ पे आपको अच्छा बेस मिलेगा, एंड दूसरा है बैलेंस मोड, जहाँ पे बेस भी डिसेंट मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको ट्रेबल्स, वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट ये सारी चीजें क्लियर होती मिलेगी। अब एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, मैंने इनको जो फर्स्ट टाइम पहना, इसी कान में डाला और गाना स्टार्ट किया, भाई मैं साउंड क्वालिटी से इंप्रेस हो गया। काफी ज्यादा अच्छा बेस देखने मिल रहा था मुझे। मैंने सोचा यार ये बॉम्बर्स मोड होगा, अब इसको बैलेंस मोड में डाल के भी सुन लेते। जैसे ही 4 बार टैप करके स्विच किया तब ये स्विच हुआ बॉम्बर्स मोड में, मतलब मैं अब तक इसको बैलेंस्ड मोड में सुन रहा था, यानी यहाँ पे इतना अच्छा बेस मुझे लग रहा था। बॉम्बर्स मोड में जाने के बाद डेफिनेटली बेस लेवल्स और बढ़ गए एंड फॉर द प्राइस में काफी ज्यादा अच्छा बेस देखने मिल रहा था, मैं 100% बोल सकता हूँ। ये सब बेस हैवी होता है, वहाँ पे हल्के फुल्के ट्रेबल्स जनरली इंस्ट्रूमेंट्स मुझे सप्रेस होते हुए दिखे, बट वो मेरे हिसाब से
इतना बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है। साउंड क्वालिटी इज डेफिनेटली अमेजिंग। जैसे बैलेंस मोड वापस आया, मैंने जैसे बताया वहां पे भी अच्छा बेस मिलता है एंड अब तो ट्रेबल्स और क्लियर होते मिलेंगे। मेरे हिसाब से 900 रुपए में बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी। एंड एक दो सरप्राइजिंग चीज है, पहली बात 100% पे डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी बात, बहुत से TWS में 100% पे आप गाना नहीं सुन पाते हो, कानों में दर्द होता है, वो चीज यहाँ नहीं है। मैंने यहाँ पे 100% पे सुना है, वॉल्यूम्स काफी हाई जा रही थी बट डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा था, ईयर फटीग नहीं हो रहा था, जो चीज मुझे काफी सही लगी इन TWS के साथ। अब बात की जाए अगर यहाँ पे टच कंट्रोल्स की, तो सारे टच कंट्रोल है। सिंगल टैप पे म्यूजिक प्ले पॉज, डबल टैप पे वॉल्यूम कंट्रोल, ट्रिपल टैप पे म्यूजिक, नेक्स्ट प्रीवियस, उसके बाद होल्ड करके रखा तो गूगल सीरी में जाएगा, चार बार टैप किया तो बॉम्बर्स मोड, बैलेंस मोड के इसमें स्विच करेगा, पांच बार टैप किया तो जाएगा रेज मोड में। अभी रेज मोड का मतलब होता है गेमिंग मोड, एंड यहाँ पे आपको एक अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि गेमिंग लेटेंसी मिलेगी सिर्फ 40 मिलीसेकंड, जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा एनहांस करने वाली है। आपको जल्दी फुटस्टेप सुनाई देंगे, आपको जल्दी गोलियां सुनाई देगी, और अब तो भाई BGMI वापस आ गया है तो डेफिनेटली आपका गेमिंग एक्सपीरियंस ये बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले, फुटस्टेप्स भी काफी ज्यादा सही सुनाई दे रहे थे। एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली हॉपअप ने गेमिंग मोड में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। माइक क्वालिटी की बात करो तो आपको हश मोड दिया है, एक छोटा सा मैंने माइक टेस्ट बनाया वो भी सुन लो। सो गाइस, अभी जो आप आवाज सुन रहे हो ये हमारा रोड वाला माइक, एंड अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये है माइक क्वालिटी इस हॉपअप के एडोज S50 की। मैं अभी अपने स्टूडियो में हूँ, काफी ज्यादा शांति, पीछे से AC चालू है। आप मुझे बताओ आपको ये माइक क्वालिटी कैसी लगे, कमेंट करके जरूर बताना ताकि आपको और बाकी लोगों को भी एक आइडिया आ सके। 900 रुपए की TWS में मैंने नहीं देखा कि आपको 10 घंटे का प्लेबैक देखने मिलता है, इससे बड्स की बात कर रहा हूँ। कंपनी क्लेम करती है 10 घंटे, एंड इजिली मेरे यूजेज पे फुल वॉल्यूम पे, जो जनरली बहुत कम लोग सुनेंगे, वहां पे भी मुझे 7.5 से 8 घंटे का प्लेबैक मिल जा रहा था। एक अमेजिंग बैटरी लाइफ है। एंड उसके बाद ये केस की बात करूँ, 350 mAh का ये केस है, एंड यहाँ पे भी इजिली 40 घंटे वो लोग और बैटरी लाइफ, मतलब टोटल 50 घंटे बोलते हैं, बट फिर भी मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे 34-35 hours तो बहुत आराम से मिल जा रहे थे। टोटल 40 घंटे प्लस की बैटरी लाइफ भी अगर आपको TWS 900 रुपए में दे रहा है, दैट इज रियली वेरी गुड बैटरी लाइफ। रैपिड चार्जिंग भी दी है आपको, मतलब आपने सिर्फ 10 मिनट चार्ज किया आपको 1 घंटे का प्लेबैक और मिल जाएगा। तो यहाँ पे चार्जिंग स्पीड्स को लेकर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया इसका प्राइस है सिर्फ 900 रुपए, एंड ये तो नॉर्मल प्राइस है, जो लॉन्च प्राइस रहेगा वो इससे भी कम रहने वाला है। अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता हो कितना रहने वाला है, बट फ्लिपकार्ट पे जाके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छे TWS है जो 4th of June को लॉन्च हो रहे, एंड आपको बिल्कुल इसको चेकआउट करना चाहिए अगर आप एक अच्छा BGMI लवर हो, आपको अच्छा हैवी बेस वाला साउंड क्वालिटी चाहिए, बजट कम है, सारे टच कंट्रोल यहाँ पे सब कुछ है यहाँ पे, एंड एक काफी ज्यादा अच्छा प्राइस भी है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हो। एंड इसको बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो क्लिक था, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।